योजना देखिए, एक सरकार की लाई गई योजना है जो कि युवाओं को 4 साल के लिए केवल नौकरी दे रहे हैं कि जो युवा जो है अपनी लाइफ को एक तरह तैयार करता है सेना के लिए, तो फिर 4 साल करने के बाद इसमें वो क्या करेगा आगे चल के। मैं जन विकास आवाज से गीता पटेल, कैमरामैन राकेश बीसी के साथ, आज हम लोग एक नया मुद्दा लेके यहाँ पे आए हैं लोगों के बीच में। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जून में एक योजना निकाली थी अग्निपथ अग्निवीर करके, उसके ऊपर बहुत बहस छिड़ी हुई है पूरे देश में और ख़ासकर बिहार ज़िले में बहुत जगह आगजनी हुई, ट्रेनें जलाई गई। तो आज हम यहाँ की पब्लिक से जानेंगे, आम जनता से जानेंगे कि वो इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, कि ये योजना कितनी सही है कितनी गलत है। तो आइए हम लोग ये सर्वे करके जानते हैं। सर, आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम एडवोकेट मनोज कुमार यादव। आप पेशे से क्या हैं? एडवोकेट। तो आप सर इस योजना के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है? ये योजना देखिए, एक सरकार की लाई गई योजना है जो कि युवाओं को 4 साल के लिए केवल नौकरी दे रहे हैं, जो कि उनके भविष्य के साथ समझिए एक तरह अनिश्चितता बनी हुई है, जो कि वो आगे 4 साल के बाद फिर वो क्या करेंगी। वही 11 लाख रुपये जो इनके सैलरी मिलेगी और बाद में 11,71,000 रुपये देंगे, तो उससे इनका भविष्य, अभी युवा वर्ग जो है इसको लेकर कन्फ्यूजन में है, जो है इनको परमानेंट नौकरी दी जाए जो है आगे चल के, क्योंकि जो युवा जो है अपना तैयार भविष्य करता है, वो युवा आगे चल के वो पूरे कम से कम जो है पूरी सर्विस करना चाहता है। ये तो एक तरह से जो है ठेके पे नौकरी हो गई, तो इसलिए जो है हम लोग इसका सपोर्ट नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो युवा वर्ग के भाई, हमारे नौजवान हैं, उनको पूरी नौकरी दी जाए। ये 4 साल की नौकरी जो है ये सरकार जो है एक स्कीम ला करके थोड़ा उनके साथ अनिश्चितता बनाई हुई है, और ये हम कहना चाहते हैं। तो सर, इसके विरोध में आप क्यों हैं? आपको क्या लगता है कि इसमें क्या क्या कमियां हैं योजना में जो और अच्छी होनी चाहिए थी? इसमें कमियां ये है, सबसे बड़ी बात है कि जो युवा जो है अपनी लाइफ को एक तरह तैयार करता है सेना के लिए, तो फिर 4 साल करने के बाद इसमें वो क्या करेगा आगे चल के, उसके लिए वो आगे उसको क्या सोचेगा। 11 लाख रुपये मान लीजिए सरकार दे रही है, तो फिर 11 लाख ले करके वो कहाँ जाएगा? मान लीजिए बिजनेस करेगा या नहीं करेगा, तो उससे ये है कि आप उनको फुल टाइम जो नौकरी दिया जाए। हमारा लेकिन सर, इसमें योजना में कहा भी गया है कि वो 4 साल रिटायरमेंट के बाद उनको पुलिस महकमे में या फिर और कोई सरकारी नौकरी उनको मुहैया कराई जाएगी। इसमें कुछ राज्य सरकारों ने अपने तरफ से ऐसा कहा है, अब आगे किया जाएगा क्या किया जाएगा उसमें कोई ये नहीं है। आपको नहीं लगता सर कि ये हमारे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है, जो उनके फिटनेस को लेके भी है, बाकी और भी सारी चीज़ें हैं जो आर्मी की उनको सिखाई जाएंगी, जो कि पहले के स्तर पे मतलब बहुत हार्ड चीज़ थी, बहुत नामुमकिन चीज़ थी कि कोई भी एक आम इंसान आर्मी में अपना भर्ती ले ले। तो सरकार ने एक रास्ता खोल दिया है आम युवाओं के लिए, आपको ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पर वो ट्रेन होंगे? नहीं, आम युवा तो पहले भी नौकरी में जाता था, आर्मी के नौकरी में आम युवा जो है पहले भी जाता था, वो नौकरी करते थे, लेकिन उनको उनका भविष्य अच्छा था इसलिए वो जाते थे। अभी जो है हमको ये लग रहा है कि आम युवा का रुझान जो है आर्मी की तरफ कम हो जाएगा, क्योंकि जो 4 साल की नौकरी का ये जो ऑफर दिया गया है, इससे आम युवा जो है उसके तरह आर्मी की तरफ जाने के लिए कम जो है आकर्षित होगा। मैं सर छोटा सा सवाल करना चाहती हूँ कि नॉर्मली औरतों के लिए प्रावधान है कि उनका प्राइवेट इसमें आर्मी में परमानेंट नौकरी नहीं होता है, तो अगर यही नियम अगर आदमियों पे लागू हो रहा है तो इसमें गलत क्या है? या? मतलब अभी औरतों के ऊपर अगर वो आर्मी में जाती हैं तो उनका परमानेंट नौकरी वहाँ पे फिक्स नहीं होता है, 4 साल या 5 साल ही उनकी वहाँ पे नौकरी होती है। तो अगर यही चीज़ अगर यहाँ के आदमियों पे भी अगर ये लागू कर रहे हैं मोदी जी, तो इसमें गलत क्या है? नहीं देखिए, औरतों को जो 4-5 साल देते हैं तो सरकार का काम है ना उनको परमानेंट करना, ये तो सरकार का काम है आगे चल के कि औरतों को भी परमानेंट किया जाए, और जो है युवाओं को जो है अच्छी से अच्छी नौकरी दी जाए, उनको फुल टाइम की नौकरी दी जाए, पार्ट टाइम ठेके पे देने वाले नहीं। क्योंकि ये सरकार ऐसी है, जब से आई है हर चीज़ को इन्होंने जो है बेचना शुरू कर दिया है, ठेके पे देना शुरू कर दिया है। हो सकता है कल ये बैंक कर्मियों को भी 4 साल के लिए रखें, और जो स्वास्थ्य सेवाओं में भी 4-5 साल के लिए सर्विस कर दें, बाद में सब प्राइवेट हो जाएगा इस तरह। तो इसलिए जो है भविष्य में जो है इसको देख करके हम लोग ये चाहते हैं कि जिसको रखा जाए वो परमानेंट रखा जाए। थैंक यू सर।